युवा चेहरे इस बार चुनाव मैदान में हैं और उसमें से एक तरीके से कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा रही उसमें से एक जयराम महतो हैं और एक कल्पना सोरेन है। तो कल्पना सोरेन की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप कल्पना सोरेन से मेरी तुलना नहीं कर सकते। आप उनको महान बताइए, उनको भगवान बता दीजिए, उनको देवी बता दीजिए, लेकिन मेरी उनसे कैसे तुलना होगी? वो शिबू सोरेन की पुत्र हुए, हेमंत सोरेन की पत्नी है, इसीलिए कल्पना सोरेन का नाम है। कल्पना सोरेन की जगह बबीता सोरेन, सुनीता सोरेन कहे नहीं इस जगह पे है। तो कल्पना सोरेन जयराम महतो की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती है। जयराम महतो का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक मिट्टी से जयराम महतो आज राज्य के चर्चा का विषय बना। कल्पना तो चांदी के चम्मच के साथ आई है, तो उनको आप महान बताइए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उनके साथ मेरी तुलना नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल जाते रहते, अगर ऐसी स्थिति आए कि जयराम महतो के पास कुछ विधायक रहे और सरकार बनाने के लिए किसी एक के साथ जाना जरूरी हो, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, पसंद नहीं, राज्य की समस्या, राज्य के मुद्दे जो राज्य को ठीक कर पाए। देखिए, हमारे हिसाब से हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, राज्य की जनता से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमें बहुमत देने का कष्ट करें, कार्य करें, और नहीं तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की भूमिका रहे। देखिए, मरने से पहले भूत बनना बेवकूफ़ी है। मौत एक दिन सबको आएगी, लेकिन लोग जीते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं, उनको मालूम है मर जाएंगे, इसलिए चुनाव का परिणाम क्या होगा उससे भयभीत थोड़ी है। चुनाव जीतने के लिए मैदान में आए हैं और जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपना ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे झारखंड में आप किसी लीडर को उठा के ले आइए, 2 बजे रात तक कोई कैंपेन नहीं करता है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक 7 बजे रात को जाके बड़ी बड़े होटलों में जाके सो जाते हैं और अपना सेवा लेते हैं। जयराम महतो आज 3 दिन से कपड़ा बदला नहीं है, देख सकते हैं कपड़े का दाग। एक केंद्रीय अध्यक्ष 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाला और पैसा नहीं, 90,000 वोट लाने वाला शख्स आज बदबू आ रहा है इस टी शर्ट से। तो संघर्ष के मामले में हम लोग कमी नहीं करेंगे और वही संघर्ष हमें मुकाम तक लेके जाएगा। बाकी राज्य की जनता, हम लोग स्पष्टवादी हैं भैया, जो कहते हैं साफ कहते हैं। आखिर कब तक झारखंड के लोग इसी तरह ठगे जाएंगे? आज कब तक झारखंड के लोग इस तरह लूटे जाएंगे? ये राज्य हमारा केवल नक्शे से मिला है, आज भी अगर अधिकार की बात करें तो हम लोग कोसों दूर हैं। आपने कहा कि आपको डुमरी में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, गोमिया में भी बहुत ज्यादा वोट आपको मिले थे, तो आपने गोमिया को क्यों नहीं चुना? नहीं, एक कोलियरी चुनना था जी, मेरी दूसरी सीट गोमिया ही संभव हो रही थी और उसको हम फाइनल ही करने वाले थे, क्योंकि समय कम था और हमें भी लगा था कि गोमिया एक ऐसी सीट होगी जहां हम प्रचार के लिए नहीं भी जाएंगे और वो सीट निकल जाएगी। लेकिन अंत समय में बैरमो में 2 आउटसाइडर मैदान में आते हैं और मुझे लगा कि अब यहाँ से भाग जाना उचित नहीं है, क्योंकि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था कहीं ना कहीं उसके विपरीत बैरमो का मैंने सीटों का जो फॉर्मूला फिट हुआ था उसके बिल्कुल विपरीत था, इसीलिए हमारी जो आइडियोलॉजी है वो बैरमो के लिए परफेक्ट थी, इसीलिए बैरमो मुझे आना पड़ा। आप कह रहे बाहरी अनूप सिंह, तो कह रहे हैं कि एक तो अनूप सिंह के पिता जी भी राजेंद्र सिंह क्षेत्र से विधायक रहे लंबे समय तक और उन्होंने कहा कि 1908 का उनके पास खातियान है, तो आप उनको कैसे बाहरी कर सकते? देखिए, सबसे पहली बात आप इस बात को स्पष्ट जान लीजिए, वह जितनी भी ज़मीनों पर अपना बस बसाव किए वो CNT की ज़मीनें हैं, लेकिन ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, जिन लोगों के पास सत्ता है, कानून है, उस कानून का दुरुपयोग करते हैं। अनूप सिंह एक ऐसा शख्स है जिसने बहुत ही चालाकी के साथ इस राज्य की विशेषकर बैरमो के तमाम कोयले को बेचने का कार्य किया है। रविंद्र पांडे जी एक ऐसे शख्स हैं जो बैरमो से उठकर आकर तोपचांची में पूरे गांव की ज़मीन को खरीदने का काम किया है। उन्होंने केवल और केवल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के अलावा कोई समाजवाद स्थापित करने का जरा प्रयास भी नहीं किया है। तो इसीलिए ऐसी सोच से झारखंड राज नहीं चलेगा, झारखंड समान वितरण से चलेगा, सामाजिक न्याय से चलेगा। और बैरमो में फिलहाल एक माहौल ऐसा है कि अगर आज बैरमोवासी सही से चयन नहीं करते हैं तो आने वाला दिन तो झारखंड के मूलवासी जिसे कहते हैं वे लोग शायद बाजार में, चौक चौराहों में, कोलियरियों में स्वाभिमान से नज़र उठा तक नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि आप NDA के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग भी कहते हैं कि आपने बागमारा की कहती कि बागमारा सीट से लड़ेंगे, तो बागमारा सीट को आपने छोड़ दिया, आप बैरमो की सीट पर। बैरमो इसलिए कि हम दोनों आउटसाइडर हैं, सीधा बात, पूरा राज्य जाने बैरमो में 2 ऐसे लोग हैं जो जिनका राज्य बनाने में कोई योगदान नहीं है। बागमारा में जो दोनों प्रत्याशी झारखंड के ही हैं और बैरमो में जो दोनों हैं आउटसाइडर हैं, तो इसीलिए मेरा वहां जाना परफेक्ट प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। अगर वहां योगेश्वर महतो बाटुल को अगर टिकट BJP से देती तो फिर हम उस सीट को छोड़कर हम या मांडू या फिर गोमिया की ओर रुख करते, लेकिन दोनों आउटसाइडर आ गए तो ये कोई भी एक
स्वाभिमानी झारखंडी कतई अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसी प्रकार से झारखंडी को छला जाए। हमारे बाप दा झारखंड को अलग करेंगे मर के मिट के, और यहाँ से विधायक बनेंगे संजय सेठ, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे जयंत सिन्हा, राज सिन्हा, बिरंची नारायण, पूर्णिमा नीरज सिंह, अनूप सिंह, समरी लाल। तो ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से झारखंड की स्वाभिमान को एक तरह से चुनौती है और झारखंड की अस्मिता को कहीं ना कहीं किसी पिंजरे में कैद करने की तैयारी। अच्छा, कुछ जो आपने टिकट के बदलाव किए, तो इसके पीछे क्या सोच रहे हैं कि टिकटों के का बदलाव क्यों किया गया? क्या आपके, क्योंकि आपने जो लोकसभा चुनाव के अपने अनुभव बताए थे उसमें आपने बताया कि बूथ स्तर पर या बूथ मैनेजमेंट आपका बेहतर नहीं था, तो लोकसभा से विधानसभा चुनाव के दौरान आपने किस तरह की चुनावी रणनीति में अपने बदलाव किया है? देखिए, चुनावी रणनीति में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, कैडर्स को तैयार किए, बूथ मैनेजमेंट तैयार किए, और लगातार हम लोग कैडर्स के साथ वार रूम में बैठकर परिचर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं चुनाव को जीतना कैसे है। तो लोकसभा से हम लोग बहुत कुछ सीख कर आए हैं जिसका झलक विधानसभा में देखने को मिलेगा। अच्छी सूझबूझ रखने लगे हैं इस बार, वो मूड में है कि जिस प्रकार हर चीज़ें अपडेट होती हैं, समय के साथ बदलता है, इस बार राजनीति में भी बदलाव होना चाहिए। जो लोग अभी तक नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, कैपिटलिज्म की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, उन्हें आराम दिया जाए, और नए यूथ जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस के पक्षधर हों, उन्हें एक मौका मिले, उन्हें काम करने का अवसर मिले। ये मुझे लग रहा है, जहाँ जहाँ मैं प्रचार में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, ये संदेश स्पष्ट दिख रहा है। आपने दो सीटों का चयन किया और दोनों सीटें जो है वो एक तरीके से कहे तो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, तो आपने उन दोनों सीटों का चयन क्यों किया? और दूसरी बात कि वो दोनों सीटें जो है वो परंपरागत तरीके से, जैसे एक राजेंद्र सिंह का बेरमो को देखें तो राजेंद्र सिंह का परिवार है, दूसरी तरफ जगन्नाथ महतो का परिवार है, तो आपने इंडिया अलायंस के ही दोनों सीटों का चयन क्यों किया और एनडीए के किसी सीट का चयन क्यों नहीं? लोकसभा में तो हमने सारी सीटों को एनडीए के खिलाफ ही चयन किया था, अब राज्य में जिनकी सरकार है तो वो सामने दिखेंगे। लोकसभा में तो किसी ने सवाल हमसे नहीं किया कि आप जिन सीटों पे प्रत्याशी दिए हैं, हजारीबाग, रांची, धनबाद, आप खुद गिरिडीह, वो एनडीए की आप सीटें हैं, आप इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो देखिए, ये चुनाव है, लोकसभा में हम किसी और के सामने थे, विधानसभा में हमारी सीटें किसी और के सामने हैं, हम अगला को नहीं देखते, हम अपने आप को देखते हैं कि हम वहाँ कहाँ बेहतर करेंगे। और जहाँ तक पारंपरिक सीट की बात है, पारंपरिक का मतलब ये होता है कि राजतंत्र क्यों पारंपरिक रहेगा भाई, किसी का कोई सीट कुछ देनी नहीं है। लोकतांत्रिक देश में ये शब्द होना ही नहीं चाहिए कि किसी की पारंपरिक सीट है। बदलाव अगर आप जोड़ना नहीं चाहते उस सीट में, आप परिवर्तन जोड़ना नहीं चाहते उस सीट में, तो फिर हमारे भारत देश को लोकतंत्र में आने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग राजतंत्र में ही रहते हैं और वही पारंपरिक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं कि हाँ ये परंपरा है। परंपरा मतलब एक तरह से राजतंत्र की बू आती है उसमें, इसलिए चाहे कोई सीट रहे, मैं परिवर्तन का पक्षधर हूँ, मैं एक युवा हूँ, बदलाव का पक्षधर हूँ, और परंपरा को, मैंने परंपराओं से हटकर, लीक से हटकर काम करना मुझे पसंद लगता है। और जहाँ तक देखिए, लोकसभा का चुनाव हम लड़े, सबसे ज़्यादा वोट हमें डुमरी से मिला था, तो डुमरी तो लड़ना मेरा तय था। उसके बाद अगर हम टुंडी भी लड़ते, वो भी तो इंडिया गठबंधन की सीट थी, टुंडी मेरा होम, तो वहाँ भी अगर हम लड़ने जाते तो इंडिया गठबंधन को पाते। हम मांडू लड़ने जाते तो वहाँ भी जेपी पटेल कांग्रेस में चले गए, वहाँ भी आप इंडिया गठबंधन को पाते। तो ऐसा नहीं है, हम अपना, हम लोग अपनी पार्टी का भविष्य देखेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी फिलहाल जनता की विश्वास है। हम इंडिया और एनडीए की चर्चा चिंता क्यों करें भाई, आपने 24 साल राज्य को चलाया, आपको क्या करना था, नहीं करना था, कैसे चलाना था, ये आपने राज्य के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया है। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी को लेकर सोच रहे हैं, अपनी पार्टी से जो लोगों की आस्था जुड़ी है उसको लेकर हम लोग चिंतित हैं।